हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। और मैं यहाँ पर अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। मुझे मतलब पूरा दिन निकल जाता है, मैं कंघी नहीं कर पाती हूँ। तो आज जैसे ही नाश्ता का काम ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कंघी कर लूँ, क्योंकि ऐसे ही मुझे रहना पड़ जाता है कई बार। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतनी बड़ी मैंने बिन टीका लगा रखा है पीला, क्योंकि आज है थर्सडे और आज डेट है 7 नवंबर। और अभी जस्ट मैंने थर्सडे की पूजा की है, वो जा चुके हैं अपने काम के लिए और कान्हा जा चुका है स्कूल। तो अभी मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मम्मी पापा कल उन लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी पंजाब से, बट आज वो लोग वृंदावन पहुँच चुके हैं। तो और अभी जस्ट पूजा करके उठी हूँ, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद चाय तो बनता है यार, क्योंकि आज पूरा दिन भूखा रहना है। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने अभी अभी पूजा करके मैं उठी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय बना लूँ। और नाश्ता बना के मैंने दिया था तो आटा वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी पहले फ्रिज में रख देते हैं, किचन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। पता नहीं, मैं किचन में आती हूँ मेरे बर्तन मुझसे बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और अभी मुझे काम आज बहुत सारा है, क्योंकि कल है ग्यारस और एकादशी भी इसको लोग कहते हैं, और इस दिन तुलसी विवाह होता है, तुलसी जी की शादी होती है, तो उनके लिए मुझे कपड़े सिलने हैं। तो आज मैं मशीन भी निकालने वाली हूँ, तुलसी जी के लिए कपड़े सिलूंगी। और मशीन अगर ठीक होगा, चलने वाला होगा तो देख लूँगी, नहीं तो कुछ करना हाथ से ही करना पड़ेगा। और कल है तुलसी विवाह, तो उसके प्रिपरेशन आज ही, सारा सामान वगैरह आज, लिस्ट बनानी है। मैं तो भूल ही गई, मुझे लिस्ट बनाना है, मैसेज करना है क्या क्या मंगवाना है कल के लिए, फल मिठाई ये सारी चीज़ें होती हैं और क्या। तो मैं देख लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं वो मंगवाऊँगी। और उसके बाद अभी थोड़ी देर मैं टीवी देख रही हूँ, क्योंकि पता है मुझे ना बिग बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं बिग बॉस कभी मिस नहीं करती, रात के 1 बजे भी अगर मुझे देखना पड़े तो मैं देखती हूँ मोबाइल पे, लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो चलिए, थोड़ी देर टीवी देखने के बाद लग जाते हैं अपने काम पे।
कान्हा स्कूल से आ चुका है, मैं जब टीवी देख रही थी तभी वो स्कूल से आ गया। और उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है आते के साथ उसका ड्रेस चेंज करना, क्योंकि वो बिल्कुल पसीने से तर बतर रहता है, उसके पूरे कपड़े गीले रहते हैं। मैं सबसे पहले उसका ड्रेस चेंज करती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा उससे बात कर लेती हूँ। उसके बाद उसको पूछती हूँ क्या खाएगा नहीं खाएगा, जो वो कहता है मैं वही बना के देती हूँ, क्योंकि अगर वो जो चीज़ नहीं बोलेगा ना वो चीज़ वो खाता नहीं है। तो उसने बोला आलू का भुजिया खाना है और रोटी खानी है, तो मैं उसके लिए एक आलू काट करके, मैंने सुबह भी लंच में उसके लिए एक आलू काटा था, अभी भी एक आलू काट करके उसके लिए भुजिया बना रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह खाए तो दोपहर भी खा ले, तो अभी उसने बोल दिया तो खा लेगा। और दूसरी साइड मैंने चढ़ाई है साबूदाने की खीर बनने के लिए, तो दूध मैंने चढ़ा रखी है, साबूदाना निकाल लिया है, जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो मैं खीर साथ साथ बना लूँगी, क्योंकि अभी मैं किचन में ही हूँ तो ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। मैं एक रोटी का आटा फ्रिज से ही लेकर के आ गई हूँ क्योंकि उसको अभी खानी है, आलू का भुजिया और रोटी। और मैंने आलू का भुजिया भी चढ़ा दिया, आटा भी ले आई हूँ, रोटी बना लेती हूँ, उसको खिला दूंगी पहले सबसे पहले। और उसके स्कूल के से आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है उसका ड्रेस चेंज करना, उसका ड्रेस मैंने चेंज कर दिया है, अब वो खाना उसको खिलाऊंगी। और दूसरे साइड मैंने ये जो दूध रखा है इसमें मैं बनाऊंगी गोल गोल दाने, क्या कहते हैं उसको, साबूदाना, साबूदाने की खीर बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो साबूदाने की खीर बना लेते हैं। तो ये मैंने चढ़ाया है और आलू का भुजिया मेरा हो चुका है, एक आलू मैंने काटा था, एक आलू का भुजिया मैं बना रही हूँ और उसका रोटी बना करके सबसे पहले उसको खिला देती हूँ। ये जो कार्टून के पीछे आपको अलमीरा दिख रहा है, इसके नीचे वाले में बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स वगैरह, एल्बम और बहुत सारी पुरानी मतलब कि ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे खाली किया और उसमें मैंने कपड़ा रखा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको हटा देते हैं, इसको फाड़ के फेंकना है, तो मैं अभी ऐसे बैग में डाल दे रही हूँ, वो जब आएंगे तो खुद देख लेंगे कौन सा काम का है कौन सा नहीं है, तो फिर वो फाड़ के फेंक देंगे। तो मैंने बना ली सब्जी वगैरह बना ली, सबसे पहले मैंने खाना को खिलाया, उसके बाद उसे दूध पिला के सबसे पहले मैंने उसे सुला दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग पड़ता है, तो मैंने उसे सुलाया। उसके बाद मैंने बनाई सब्जी, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना ली प्याज डाल करके, मुझे तो खाना नहीं था सिर्फ उनको खाना था, तो मैंने बना ली कि चलो दोनों टाइम काम हो जाएगा। और आज पता है कपड़े अभी तक आए नहीं है जो मैं सिलूं अभी, तो जब आएंगे तो अगर शाम में कपड़ा आया तो कल ही सिल पाऊंगी, तो आज तो सिलना होगा नहीं। और भगवान का भी आज थोड़ा सा मुझे साफ करना है, क्योंकि उस रूम में ना बहुत ज्यादा सामान बिखरा पड़ा था, तो थोड़ा बहुत तो मैंने अभी समेट लिया है, थोड़ा बहुत समेटा है जो भी नीचे पड़ा, क्योंकि मैंने अलमीरा चेंज करी थी तो उसमें बहुत सारे फालतू ऐसे किताब कॉपी वगैरह पड़े हुए थे, बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह, तो जिसको मैंने अभी निकाला है खाली किया है, उसी को मैं एक बैग में डाल के रख दिया है कि जो फेंकने वाला हो वो देख करके उन्हीं का सारा है,
जो फेंकने वाला होगा वो देख करके फेंक देंगे। तो मैंने भी रख दिया और भगवान थोड़ा सा और समेटना बाकी रह गया है, वो उठ जाता है ना तो फिर कोई काम करने देता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान करता है। और उसके बाद मैंने किचन भी थोड़ा सा क्लीन किया, सुबह के नाश्ते का सारा बर्तन पड़ा हुआ था तो वो सब भी अभी मैंने धोया है। मैं सोचती हूँ उसके सोए में ना जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। और मैं जब अकेली होती हूँ ना मैं ढंग से सो नहीं पाती हूँ दिन में, खास करके बिल्कुल भी ढंग से, मतलब हमेशा मुझे अंदर से डर लगता रहता है कि कोई आ जाएगा, जबकि मैं सारा गेट लॉक करके सोती हूँ सारा कुछ, बट फिर भी एक अंदर से ना मतलब अजीब सा डर लगा रहता है कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा। मुझे अच्छी तरीके से मैं सो भी जाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो खाना वगैरह हो चुका है, सांबत्ती भी मैंने दे दी है, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने खा लिया चीला बना करके, क्योंकि मेरा आज फास्ट था तो मैंने चीला बना करके खा लिया। और मैंने सोचा चलो इस वीडियो को कर देते हैं आज एंड, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से वीकनेस ही लग रही है, वैसे वीक हूँ नहीं मैं, देखने से नहीं लगती मैं वीक हूँ, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा थकान जैसी लग रही है। मैंने सोचा चलो इस वीडियो को कर देते हैं एंड। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकेंड का टाइम लगेगा और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके एक एक लाइक से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बता देती हूँ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा उसे प्रेस करिएगा और उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे ना तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कब वीडियो अपलोड किया है। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।